नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट नस में। दोस्तों, वीआईपी इंडस्ट्रीज के Q4 के नतीजे आ गए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। इस बार का जो कंपनी का टोटल इनकम रहा है वो 362 करोड़ है और लास्ट ही ये 259 करोड़ था, तो इसमें 40% का हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं क्वार्टर नतीजों की बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वहां पे -11% का डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये 407 करोड़ से डिक्रीज होकर 362 करोड़ हो गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ही ये कंपनी नुकसान में चल रही थी, लेकिन अभी उसने नुकसान को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, तो -4 करोड़ से अभी 12 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो 428% का शानदार हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजों की बात कीजिए करें तो 33 करोड़ से ही डिक्रीज होकर 12 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल अगर नतीजों की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ओवरऑल नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो हमें यहाँ पे जो है नो डाउट यहाँ पे भोरे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करोगे तो काफी शानदार नतीजे कंपनी ने दिए हुए। और आने वाले अगर मैं जून क्वार्टर की बात करूँ दोस्तों, तो जून क्वार्टर में जो कंपनी के नतीजे वो मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर से बेटर होंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, समर वेकेशन चल रहा है तो हर किसी को बैग का रिक्वायरमेंट रहेगा, हर कोई ट्रैवल करेगा, बाहर घूमने जाएगा फैमिली के साथ, तो मुझे लग रहा है कि अभी समर का इनको जो है फायदा होगा। और आने वाले वो तो क्वार्टर नतीजों में देखी जाएगा कि जो जून के क्वार्टर्स होंगे वो मुझे लग रहा है कि एस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुझे लग रहा है कि अच्छे देखने को हमें मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे 50% ऑफ द होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है, तो एक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है। और अगर आप देखोगे DIS जो है लगातार इस शेयर में इंक्रीज कर रहे होल्डिंग, तो मार्च 2021 में 3% के आसपास थी, फिर जून में भी 3 के आसपास है, सितंबर में ये इंक्रीज होकर 4% हो गई, फिर अराउंड 5.84, अभी सीधा 8.6 थी। तो FIIs जो है इस शेयर इस स्टॉक को लेकर बुलिश है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो है आने वाले दिनों में काफी जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए FIIs जो है अपना लगातार होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किए जा रहे हैं। और वहीं DIIs की भी होल्डिंग की बात करूँ तो मेजर ऑफ द सेकंड जो सेकंड मेजर होल्डिंग है वो DIIs के पास है, तो 21% ऑफ द होल्डिंग है वो DIIs के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है काफी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि FIIs की जिस हिसाब से इस शेयर में होल्डिंग बना रहे हैं, तो आने वाले दिनों में टारगेट समय अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी सीधा दोस्तों चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या चार्ट है। तो 589 का जो है शेयर ने क्लोजिंग दिखाया हुआ है, ये अभी भी अपने 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जो टारगेट प्राइस हो सकता है उसका पहला जो टारगेट होगा वो 643 का होगा, सेकंड जो टारगेट होगा वो 679 का, और थर्ड जो टारगेट होगा 727 का हो सकता है। और दोस्तों अगर मैं बाइंग लेवल्स की बात करूं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हैं। और इसने यहाँ पे दोस्तों पहले इसका अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पे लाइन चार्ट दिखा देता हूँ, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको लाइन चार्ट आपको दिखा देता हूँ, तो अगर आप देखोगे दोस्तों सेम लेवल पे जो 589 का है वहां पे कंपनी वहां पे सपोर्ट लिया था 7 मार्च 2022 को, ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन अभी ये सपोर्ट बन गया और सेम लेवल पे अभी भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर 589 से अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है तो आप इसमें फॉर श्योर जो है एक न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके इसमें आप निवेश कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। और जैसे कि मैंने आपको टारगेट बताया, वो टारगेट फॉर श्योर दोस्तों लग रहा है कि अचीव होने वाला है, जैसे कि DIIs जो FIIs जो अपनी होल्डिंग इंक्रीज करे, और गर्मियों का जैसे वेकेशन चल रहा है तो हर कोई बैग की खरीदी करेगा, तो इसका फायदा जो है ओवरऑल कंपनी को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जून क्वार्टर्स में जो इनके जून के नतीजे आएंगे जो कि हाल अगस्त के आसपास आएंगे, तो तब तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये जो मैंने टारगेट्स बताए हैं आपको अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास कितने शेयर्स है इस कंपनी के आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।